वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आपने टाइटल देखे पढ़ी लिया होगा कि ये रक्षाबंधन मेकअप लुक है जो यस फ्रेंड्स जो कि मैंने क्रिएट कर रखा है। फ्रेंड्स मैंने आईज में नॉर्मली एक पिंक और गोल्डन का कॉम्बो लेके चला है और नॉर्मली लिप्स को मैंने किया है बोल्ड लिप्स। इट्स टोटली डिपेंड ऑन यू कि आप किस तरीके से इस लुक को कैरी आउट करना चाहते हैं। और नॉर्मली ये टाइप का एथनिक लुक था इसलिए मैंने एक ऑरेंज बिंदी से इसे कवर अप कर रखा है या फिर कंप्लीट कर रखा है अपने मेकअप लुक को। सो आई होप कि आपको ये वाला लुक पसंद आ रहा है। अगर आपको ये वाला लुक जानना है कि मैंने कैसे कर रखा है तो आप प्लीज मेरी वीडियो को फुल देखेगा। और अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो आप जानते हैं कि आपको क्या करना है, आपको सब्सक्राइब करना है और मेरी वीडियो को एक बड़ा सा लाइक देना है। और आप मुझे कमेंट करके बता भी सकते हैं कि कौन सा लुक आपको, मतलब इस टाइप में लुक आपको कैसा लग रहा है। सो या विदाउट वेस्टिंग टू मच टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड विद द वीडियो। तो फ्रेंड्स सबसे पहले मैं अपना DIY प्राइमर लगाऊंगी ताकि मेरे सारे पोर्स जो हैं वो क्लोज हो जाएं और इससे मेरा बेस मेकअप एकदम फ्लॉलेस लगे। सो या आई एम जस्ट गोइंग टू अप्लाई ऑन माय टी जोन ताकि जहाँ जहाँ मुझे सबसे ज़्यादा स्वेटिंग होती है ऑन माय टी जोन वहाँ मैं सबसे ज़्यादा अप्लाई, और थोड़ा सा आईलिड में भी लगा लूँगी अच्छे से, तो आप देख सकते हैं। उसके बाद फ्रेंड्स इसे थोड़ा सा रुकते हैं 5 मिनट तक थोड़ा सूखने के बाद। उसके बाद आ जाती है फाउंडेशन की। तो आई एम जस्ट अप्लाइंग हेयर ब्लू हेवन एक्स फैक्टर फाउंडेशन और इसमें मेरा शेड है नेचुरल। सो या आई एम गोइंग टू अप्लाई इट ऑन माई फेस। तो मैं डॉट डॉट करके फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम गोइंग टू स्प्रेड इट ऑन माई फेस। सो या यू कैन जस्ट सी दिस माई फॉरहेड ऑल्सो ऑन माई ब्रिज ऑफ द नोज एंड ऑन ऑल ओवर माई फेस आई एम गोइंग टू अप्लाई इट एंड विद द हेल्प ऑफ अ डैम ब्यूटी ब्लेंडर आई एम गोइंग टू ब्लेंड इट विद दिस। सो या यू कैन जस्ट सी दिस ताकि फ्रेंड्स मेरा जो बेस मेकअप है वो फ्लॉलेस लगे। इसलिए मैं सबसे पहले फर्स्ट कोटिंग मैं पूरे साथ अप्लाई नहीं करने वाली हूँ, जितना थोड़ा थोड़ा करके अप्लाई करूँगी ताकि जो है वो एक एक करके चले। उसके बाद आप देख सकते हैं मैंने इसे थोड़ा सा अंडर आई एरिया में लगा चुका है। अभी मैं कंसील करूँगी तो वो अच्छे से आ जाएगा, लेकिन मैंने सोचा कि थोड़ा सा फाउंडेशन से भी कंसील कर लेती हूँ। तो या यू कैन जस्ट सी दिस मैं अच्छे से इसे अप्लाई कर लूँगी विद द हेल्प ऑफ अ ब्यूटी ब्लेंडर। और फ्रेंड्स मैंने यहाँ पे डैम ब्यूटी ब्लेंडर ले रखा है और आप देख सकते हैं कि डैम ब्यूटी ब्लेंडर से ही आपका जो फाउंडेशन है वो थोड़ा सा ज़्यादा अप्लाई, और इसे थोड़ा सा आपको रब करना पड़ेगा क्योंकि फाउंडेशन लाइक डॉट वैसे स्पंज की टाइप के एकदम नहीं हो पाता, तो आपको थोड़ा सा इसे रब करना पड़ेगा। तो आप देख सकते हैं इसे मैं अपने नेक एरिया में भी लगा रही हूँ। सो या यू कैन सी दिस फ्रेंड्स, क्योंकि ये एक तरह का नॉर्मल मेकअप लुक है इसलिए मैं ज़्यादा से कवरेज के वाइज नहीं रखूँगी, थोड़ा बहुत रखूँगी। और इसे मैं एडीएस का यहाँ पे कंसील करने वाली एडीएस से कंसील करूँगी अपने आईलिड को। तो यू कैन जस्ट सी दिस और सेम ब्यूटी ब्लेंडर से इसे ब्लेंड कर लूँगी अच्छे से। फ्रेंड्स ये बहुत ज़्यादा क्रीमी कंसीलर है, आप इसे एज अ फाउंडेशन भी यूज़ कर सकते हैं, बट आई एम जस्ट यूजिंग एज अ कंसीलर ओनली। सो या यू कैन जस्ट सी दिस। उसके बाद फ्रेंड्स मैं एक और कोट करूँगी अपने अंडर आई एरिया में ताकि जो मेरे आई बैग्स हैं वो थोड़े से कवर अप हो जाए, क्योंकि मेरे को सबसे ज़्यादा अंडर आई की प्रॉब्लम है, बाकी मेरे को कलर करेक्शन की ज़रूरत नहीं है। तो देख सकते हैं और मैंने जहाँ जहाँ मुझे हाईलाइट करना था मैंने वहाँ वहाँ थोड़ा सा इसे लगा चुका है। फ्रेंड्स आप हमेशा नोटिस करना कि कंसीलर जब भी आप को भी खरीदें तो आप अपने से शेड से एक लाइट शेड खरीदें, क्योंकि कंसीलर का काम ही होता है लाइट करना। अगर आप अपने मैचिंग का शेड लेंगे तो अच्छा नहीं लगेगा। तो आप देख सकते हैं मैंने एक तरह का थोड़ा सा लाइट कर रखा था इसलिए मेरा कंसीलर एकदम अच्छे से परफेक्ट लुक देगा। उसके बाद फ्रेंड्स मैं इसे सेट कर लूँगी ब्लू हेवन सेंसेशन पाउडर से और इसमें भी मेरा शेड है नेचुरल और ये थोड़ा सा येलो अंडरटोन में आता है, तो इसे मैं ही सेम कॉम्पैक्ट को बेकिंग के लिए भी यूज़ कर लूँगी क्योंकि बेकिंग के लिए भी येलो अंडरटोन है तो एकदम सही आ जाता है। तो देख सकते हैं मैं इसे थोड़ा सा अपने फ्लफी ब्रश की मदद से इसे लगाऊंगी पूरे फेस पे, आप यू कैन जस्ट सी दिस। उसके बाद आप देख सकते हैं आईलिड में मैंने लगा चुका है और थोड़ा सा मैं इसे अपने यहाँ आई बैग्स के साइड को कर रही हूँ ताकि थोड़ी सी बेकिंग हो जाए क्योंकि वहाँ क्रीज अप ना हो इसलिए। तो देख सकते हैं मैंने सेम बेकिंग के लिए भी यूज़ कर चुका है इसको। सो फ्रेंड्स उसके बाद मैं अपने आईब्रो फिट करूँगी ये मीना जनरेशन 2 की पेंसिल जो कि अक्सर डार्क है, लाइक मेरे जो आईब्रोज हैं वो थोड़े से ब्राउनिश नहीं है तो मैं ब्राउन पेंसिल यूज़ नहीं करती, मैं ब्लैक ही यूज़ करती हूँ। सो यू कैन जस्ट सी दिस इसे मैं फिल कर लूँगी अपने ब्राउज को। फ्रेंड्स थोड़ा थोड़ा स्ट्रोक्स मारेंगे, ज़्यादा नहीं स्ट्रोक्स मारेंगे। उसके बाद फ्रेंड्स मैं एक स्पूली की मदद से मैं इसे कर लूँगी जो कि मेरे को ह्यूटो ब्यूटी के मेकअप किट में मिला था, तो मैं इसी से अच्छे से ब्लेंड कर लूँगी अपना जो पेंसिल है ताकि वो एकदम हार्श लाइन्स ना रहें और एकदम परफेक्टली ब्लेंड अप लगे। सो फ्रेंड्स यू कैन जस्ट सी दिस
मैंने इसे अच्छे से ब्लेंड कर चुका है, आप देख सकते हैं आईब्रोज में कितना फ़र्क आ जाता है इसके बाद। उसके बाद फ्रेंड्स मैंने यहाँ लगा चुका है टेप ताकि कट क्रीज मेकअप है इसलिए। उसके बाद यहाँ पे मैं पिंक कलर, एकदम बेबी पिंक कलर ले रही हूँ एज माई ट्रांजिशन कलर, क्योंकि इधर मैं अपना एक पिंक और गोल्ड का कॉम्बो करने वाली हूँ इसीलिए। तो मैं सबसे पहले इसे करूँगी यहाँ पे पिंक कलर, लाइट पिंक और ट्रांजिशन कलर के लिए। तो फ्रेंड्स आपको ब्लेंडिंग में बहुत ज़्यादा टाइम देना है, तो मैं यहाँ ब्लेंडिंग ब्रश की मदद से इसे अच्छे से ब्लेंड कर लूँगी अपने ट्रांजिशन कलर को। तो देख सकते हैं, उसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पे मैं अच्छे से इसे दोबारा एक और कोट करूँगी ताकि डिज़ायर कलर मिल जाए मेरे को। तो देख सकते हैं, तो फ्रेंड्स आप देख सकते हैं कि मैं कितना ब्लेंडिंग में कितना टाइम दे रही हूँ, क्योंकि फ्रेंड्स आपको ब्लेंडिंग में बहुत ज़्यादा टाइम देना है। चाहे आप कोई भी मेकअप करें उसमें ब्लेंडिंग आपको आई शेडो का होना ज़रूरी है। उसके बाद फ्रेंड्स मैं यहाँ स्टील पैलेस का जो आई शेडो लेने वाली हूँ, इसमें से मैं दोनों येलो कलर, लाइक गोल्डन कलर है ये दोनों, येलो दिख रहे हैं आपको लेकिन ये गोल्डन है, तो मैं यहाँ पर इसे अप्लाई करूँगी लिड में ताकि ये एकदम रोज़ गोल्ड टाइप लगेगा थोड़ा सा, इसीलिए ये वाला मेकअप है। तो आप देख सकते हैं, यू कैन जस्ट सी दिस, इसे मैं अपने फिंगर टिप्स की मदद से अप्लाई करूँगी, ब्रश की मदद से नहीं, क्योंकि जो ये शिमर आई शेड होते हैं वो फिंगर टिप्स से ज़्यादा अच्छा कवरेज देते हैं एज़ यूजुअल फ्रॉम द ब्रश। सो यू कैन जस्ट सी दिस, देन आई विल गोइंग टू ब्लेंड इट। सो या आई एम जस्ट ब्लेंडिंग माई शेडोज। तो फ्रेंड्स आप देख सकते हैं कितना अच्छा लुक लग रहा है। उसके बाद फ्रेंड्स मैं सेम इसी में भी अप्लाई कर लूँगी, दोनों आई मेकअप कंप्लीट कर लेती हूँ सबसे पहले। सो या यू कैन जस्ट सी दिस, उसके बाद फ्रेंड्स बात आती ये है काजल की। तो यहाँ पे मेरे पास एक रैंडम ब्रांड का लेपरला काजल था, जो कि मैंने जब मैंने मार्स का कॉन्ट्रोल हाईलाइट पैलेट लिया था उसमें ये फ्री मिला था, तो मैं सोचा कि आज मैं इसे यूटिलाइज़ कर लूँ। तो फ्रेंड्स इसे मैं लोअर वाटर लाइन में लगा लूँगी, और क्योंकि मेरे को इसे स्मोक आउट करना है, तो देख सकते मैं थोड़ा सा डार्क कलर कर रही हूँ कि ये बहुत ही ज़्यादा डार्क है और ऊपर से स्मच करता है। तो मैं इसे सेट करूँगी यहाँ पर ब्लू आई शेडो से ताकि स्मोक आउट हो जाए और साथ ही साथ मेरा जो काजल है वो अपनी जगह पर रहेगा। तो मैं पेंसिल ब्रश की मदद से यहाँ पर ब्लू कलर अपने वाटर लाइन में लगाऊंगी। तो यू कैन जस्ट सी दिस, इससे आपका एक ही टाइम पे दोनों काम हो जाएगा साइमल्टेनियसली। सो यू कैन जस्ट सी दिस, इट विल लुक ऑसम। सो या देन आई एम गोइंग टू स्मज इट माय काजल विद द सेम स्मजर ब्रश ओनली। सो फ्रेंड्स देन आई एम गोइंग टू अप्लाई लाइक मे आई लाइनर, इंस्टा आई लाइनर। सो या आई एम गोइंग टू मेक इट अ विंग्ड आई लाइनर। सो या यू कैन जस्ट सी दिस, फ्रेंड्स क्योंकि एक तो गर्मी चल रही है इसलिए जो भी आप मेकअप यूज़ करें वो वाटरप्रूफ होना चाहिए, ताकि जब भी थोड़ा सा पसीना या स्वेट हो जाए तो आपका मेकअप बहे ना, अच्छे से लहे। तो आप प्राइम तो ज़रूर से करीजिएगा अपना फेस, और उसके बाद वाटरप्रूफ प्रोडक्ट जहाँ तक पॉसिबल हो वाटरप्रूफ प्रोडक्ट्स लगाइए। तो देख सकते कितना सही लुक लग रहा है। उसके बाद फ्रेंड्स बात होती है ब्लश की। तो यहाँ पे मैं लाइट पिंक कलर का, जो सबसे पिंक कलर है मार्स का जो है 5 सेट ब्लशर है, उसमें पिंक कलर अप्लाई करूँगी एपल ऑफ माय चीक्स में। तो देख सकते कितना पिगमेंटेड है, लाइक ये अगर आपके पास ये ब्लश है तो आपको कोई और ब्लश लेने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि इसमें आपको ऑल राउंडर वाले ब्लश मिल जाते हैं, आप कोई भी ओकेजन में पहन सकते हो। इसमें ऑरेंज कलर इज़ लाइक सो लवेबल, सो क्यूट कलर है जो बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। तो देख सकते हैं कितना सही लग रहा है, एकदम लाइट पिंक कलर है। सो आई एम गोइंग टू अप्लाई इट ऑन माय चीक्स, और ये जो ब्रश जिसकी मदद से मैं लगा रही हूँ ये ब्लश ब्रश है फ्रॉम वेगा। तो आप देख सकते हैं कितना अच्छा एप्लीकेशन दे देता है फ्रेंड्स ये। सो फ्रेंड्स नाउ आई एम इनटू कंटूर माय फेस। तो कंटूर के लिए मेरे पास मार्स का जो कंटूर पैलेट है उसमें से मैं यहाँ कंटूर ब्रश की मदद से मैं इसे करूँगी कंटूर अपने चीक्स को, और आप देख सकते हैं बहुत ज़्यादा अच्छा लगेगा। सो या यू कैन जस्ट सी दिस, हॉल ऑफ माय चीक्स को थोड़ा सा कंटूर कर लूँगी,
और ज़्यादा पॉसिबल हो आप 3 बनाइए अपने फेस में, ताकि जो आपका कॉन्ट्रोलिंग टाइम पे, कॉन्ट्रोलिंग की टेक्निक बहुत ज़्यादा सिंपल है। तो आप देख सकते हैं मैं अपनी जॉ लाइन को भी थोड़ा सा कॉन्ट्रोल कर रही हूँ और फॉरहेड को भी कॉन्ट्रोल कर रही हूँ, और फ्रेंड्स इसे अच्छे से ब्लेंड कर लूँगी। देन आप देख सकते हैं क्योंकि ब्लेंडिंग इज़ मोस्ट इंपॉर्टेंट, तो कॉन्ट्रोलिंग इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट। सो या यू कैन जस्ट सी दिस, सो या देन आई एम गोइंग टू लाइक, इससे आपको फेस को डेफिनेशन मिल जाता है। तो देख सकते हैं कितना अच्छा लगने लग जाता है फेस, एकदम डिफाइन हो जाता है। फिर इसके बाद फ्रेंड्स हाईलाइट की बात रहती है, तो यहाँ पे मैं ले रही हूँ इन कलर का हाईलाइटर ये पैलेट आप बोल सकते हैं। तो ये बहुत ही ज़्यादा सब्टल हाईलाइट है, तो इसलिए मैं इसे अप्लाई कर रही हूँ। सो यार यू कैन जस्ट सी दिस, अपने चीक्स बोन्स पे, ब्रिज ऑफ द नोज में अप्लाई कर रही हूँ, और इसके बाद मैं थोड़ा सा इसे ब्राउ बोन में भी लगा लूँगी। तो देख सकते क्यूपिड्स बो में भी लगा रही हूँ आप। देन आई एम गोइंग टू अप्लाई विद द पेंसिल ब्रश, पेंसिल ब्रश की मदद से इनर कॉर्नर ऑफ माई आई में लगा लूँगी। सो या देख सकते हैं, उसके बाद फ्रेंड्स बात आते हैं लिपस्टिक की। तो यहाँ पे मेरे पास ADS की लिपस्टिक है, ये मैंने इसका ऑलरेडी रिव्यू कर चुका है, बहुत ही प्यारा शेड है, प्लम शेड है। तो मैं इसी को लगा रही हूँ क्योंकि यहाँ पे मैं बोल्ड लिप्स करने वाली हूँ, इसलिए आई एम जस्ट गोइंग टू, ये लिटिल बिट मरून और प्लम शेड में आता है, तो आई एम गोइंग टू अप्लाई दिस ओनली। बहुत ज़्यादा अच्छा है, तो आप देख सकते हैं, और ऊपर से मैट है, तो आई जस्ट लव दिस वन। और ये मैं कितनी तारीफ़ करूँ उसकी कम है, लेकिन ये अच्छा है, अफोर्डेबल भी है लिपस्टिक, बहुत ज़्यादा हाईली एंड प्रोडक्ट्स में नहीं आता है, एकदम ADS है और लोकल कंपनी भी नहीं है, सो यू कैन जस्ट ट्रस्ट ऑन देम। तो आप देख सकते हैं कि इसको लगाने के बाद आपको मैं अपना लुक ये देख के कितना सही लुक लग रहा है, आई जस्ट लव दिस लुक। तो आप देख सकते हैं एकदम। उसके बाद फ्रेंड्स हमने लुक को कम्प्लीट किया एक बिंदी से, तो यू कैन जस्ट सी दिस। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो, सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, हिट द लाइक बटन ऑल्सो। सो या बाय बाय।